क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस एक साइकिल चलाने वाले को रोककर मशीन से चालान काटने लगा, मगर नंबर प्लेट ना होने पर उसे पता चला कि मोटरसाइकिल नहीं बल्कि ये तो पैडल मारकर चलाने वाली साइकिल है। आपको बता दें कि ठाणे में बढ़ती आबादी के चलते रोज़ाना हजारों लोग सफ़र करते हैं। ऐसे में ठाणे के कापुर बावड़ी जंक्शन इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जहाँ वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कापुर बावड़ी की दूसरी दिशा से साइकिल लेकर आ रहे शख्स को भी ठाणे ट्रैफिक विभाग के एक कर्मचारी चालान करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन साइकिल पर नंबर नहीं होने की वजह से अधिकारी उस साइकिल वाले को पीछे से साइकिल पकड़कर खींच लेता है और उसे कहता है कि क्या आपको दिखता नहीं है दूसरी तरफ से साइकिल लाना गलत है। इसी पर वो साइकिल सवार कुछ बोलने का प्रयास करता है, लेकिन जब तक ट्रैफिक अधिकारी उसे बोलने तक का मौका नहीं देता है और उसे खूब खरी खोटी भी सुनाता है। ट्रैफिक पुलिस चालान करने के लिए रोक रही है, लेकिन साइकिल पर नंबर प्लेट नहीं है और इसी के वजह से उसे एहसास हुआ कि ये मोटरसाइकिल नहीं बल्कि फ़िलहाल ये साइकिल है। और ये तस्वीर देखकर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक से परेशान होकर उन्हें मोटरसाइकिल और साइकिल में भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। Yeah.